नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। उत्तर प्रदेश में 30 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है मेरे पास। उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे 30 लाख स्टूडेंट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। इस बार भी राज्य सरकार ग्रेजुएशन में फर्स्ट, सेकेंड और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने की तैयारी में है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जून जुलाई तक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसमें बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्सेज शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत होती है, उनके भी 5वें सेमेस्टर तक के एग्जाम नहीं होंगे। है ना बड़ी बात? फाइनल सेमेस्टर एग्जाम भी जून या जुलाई में हो सकते हैं। इनमें बीटेक, फार्मेसी मैनेजमेंट कोर्स से शामिल हैं। जल्द ही सरकार इनका ऐलान कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि परीक्षाओं को लेकर के सरकार की तरफ से अभी तक अंतिम फैसला होना बाकी है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी को 7 दिन के अंदर परीक्षाओं को लेकर के अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। इस कमेटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय, कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह शामिल हैं। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जल्द ही कमेटी की पहली बैठक होगी ऐसा कह रहे हैं। इसमें मौजूदा हालात में स्टूडेंट्स के करियर को भी ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। और वहीं मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि यूपी में कोरोना के थोड़े से केस घटे हैं, लेकिन अब दूसरा खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस और तीसरी लहर का डर एकदम से सामने है। ऐसे में सरकार किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी स्टूडेंट से जुड़ी हुई खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए एमबी स्पीक, और अपनी राय मुझे देते रहिए। देखिए, ये कमेंट आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में करते रहिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।